तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बौद्ध स्थापत्य कला। और बौद्ध स्थापत्य कला में हम लोगों ने पहला टॉपिक समझा और उस टॉपिक का नाम है स्तूप स्थापत्य कला या स्तूपा आर्किटेक्चर। यस, स्तूपा आर्किटेक्चर। इसी टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं। तो स्तूप स्थापत्य कला में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, स्तूप होता कैसा था, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या थे, इसके विविध अंग क्या थे, इसको हम लोगों ने समझा। फिर स्तूपा का कंस्ट्रक्शन या स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था, इसको समझा। फिर समझा हम लोगों ने स्तूप स्थापत्य कला का उदय और विकास। अब इसी से जुड़ा हुआ एक लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्तूप स्थापत्य कला से, और वो लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट स्तूपाज या महत्वपूर्ण स्तूप। तो क्या टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट स्तूपाज। तो आइए इमेज के थ्रू हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण स्तूप बताया था कि जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, ठीक उसी तरह से समझ लीजिए एक तरह से बौद्ध धर्म में स्तूप का अपना महत्व है। यस, तो कल आपको बताया था सांची स्तूप। सांची में तीन महत्वपूर्ण स्तूप हैं। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा है उसे हम लोग कहते हैं द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची या सांची का महास्तूप। इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो इस स्तूप का निर्माण करवाया मौर्य शासक अशोक ने। किसके निरीक्षण में, किसके पर्यवेक्षण में या किसके मॉनिटरिंग में, तो अशोक की पहली पत्नी है, नाम है देवी या वैदिस महादेवी, जो कि विदिशा की रहने वाली थी और बौद्ध धर्म की संरक्षण करता थी, बौद्ध धर्म का वह पालन करती थी। तो उसी के निर्देशन में, उसी के गाइडेंस में, उसी के मॉनिटरिंग में ये सांची स्तूपा यानी सांची का ग्रेट स्तूपा या सांची का महास्तूप का निर्माण हुआ। क्लियर, मेरी आवाज तो आ ही रही होगी। यस यस, ठीक है। तो सांची का जो महास्तूप है, जो ग्रेट स्तूपा है, सांची का ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, इसकी खोज कौन कर रहे हैं, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, टेलर के द्वारा। कब की गई है, 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर साहब क्या कर रहे हैं, मध्य भारत में पीछा कर रहे हैं। किसका पीछा कर रहे हैं, पिंडारियों का पीछा कर रहे हैं मध्य भारत में। और पिंडारियों
का पीछा करने के ही क्रम में टेलर ने सांची स्तूप या ग्रेट स्तूप ऑफ सांची की खोज की थी, और फिर बाद में चलकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 ईस्वी के आसपास इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था। तो एक्सकेवेशन वॉज डन बाई, इसका उत्खनन किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज किसने की? टेलर के द्वारा की गई। क्लियर? तो उसके बाद आपको ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची के बारे में बताया था कि सुंग राजाओं के शासनकाल में इस महास्तूप का पुनर्निर्माण हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो आज जो आप सांची स्तूप देख रहे हैं, वो सांची स्तूप, उस सांची स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ? सुंग राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो ये आपको जानना था ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची के बारे में। उसके बाद सांची में एक और स्तूपा है, सांची में स्तूपा नंबर 3, स्तूपा नंबर 3, और इस स्तूप में आपको यहां पर सारिपुत्र, पाली में सारिपुत्त लिखा रहता है, सारिपुत्त, और मोगलायन या मौदगलायन, मोगलायन के क्या है? रेलिक्स है। यानी सांची का स्तूपा नंबर जो 3 है, उसमें गौतम बुद्ध के 2 फेवरेट डिसाइपल, जो उनके प्रसिद्ध शिष्य थे, नाम था सारिपुत्र और मोगलायन, इन दोनों के अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। स्तूपा नंबर 3। क्लियर? प्लीज वेट कीजिएगा जरा, मैं आपका एक मिनट जरा वॉइस क्वालिटी देख लूं। यस यस, हिंदी में भी बात करेंगे। यस, तो अच्छा, ये जो क्लास चल रही है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने कॉपी और पेन के साथ बैठें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहेंगे, तो आपका नोट्स वैसे भी बन जाएगा। यस, तो स्तूपा नंबर 3 के बारे में बताया। वैसे सांची में बहुत सारे स्तूप हैं, हम लोग को उतने सारे स्तूपों के सारे स्तूप के बारे में हम लोग को नहीं समझना है। एक मिनट यार, थोड़ा साउंड का इशू है। साउंड मेरी क्लियर आ रही है आप लोग को? प्रॉपर साउंड आ रही है आप लोग के पास? यस, ओके। ठीक है, तो यस, तो जो आपके एग्जाम में स्तूपा नंबर 1 और स्तूपा नंबर 3 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या समझते हैं, और क्या जानना है सांची के बारे में, तो सांची यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सांची का जो एंशियंट नेम है, सांची का जो प्राचीन नाम है उसको कहा जाता है काकना दबोट, काकन्य या काकना दबोट। ये क्या है भाई? तो सांची का एंशियंट नेम है, सांची का प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम ऑफ सांची। इसके बाद आधुनिक काल में यदि हम लोग बात करें तो भोपाल की जो बेगमें हैं, जैसे बेगम सुल्ताना, शाह नवाज बेगम, इन लोगों ने क्या किया, तो भोपाल की बेगमों ने क्या किया, सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। तो द बेगम्स ऑफ भोपाल दे डिड व्हाट, दे प्रोवाइडेड मनी टू रीस्टोर एंड प्रिजर्व द स्तूपाज ऑफ सांची। इनफैक्ट इन लोगों ने यहां म्यूजियम भी बनाया। तो वर्तमान काल में सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा योगदान है। यस, तो हम लोगों ने सांची के बारे में जान लिया। अब ऐसे बताएं आपको कि सांची के पास, सांची के आसपास कई सारे स्तूप और भी हैं। जैसे यदि हम लोग थोड़ा सा दक्षिण पूरब की ओर चलें तो यहां पर आपको अंधेर, अंधेर का स्तूप मिलेगा। थोड़ा पश्चिम की ओर आए तो सतधारा, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की ओर आए तो आपको मैं मैप दिखा दे रहा हूं। यस, ये देखिए, ये है सांची। और अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूरब की ओर चलें तो यहां अंधेर, और इसके जस्ट थोड़ा सा पहले आए तो भोजपुर, और फिर यदि इसके पश्चिम की ओर जाएं तो सतधारा, सतधारा, और दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं, दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो सोनारी। इन सारे जगहों पर, इन सारे स्थानों पर बौद्ध स्तूप के उदाहरण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब हमें इसमें से याद क्या करना है, तो इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से याद रखना है, सांची तो याद रखना ही रखना है क्योंकि यह विश्व विरासत स्थल है। सांची के अलावा हमें याद रखना है सतधारा, सतधारा, सतधारा में तीन स्तूप हैं, लेकिन याद रखना है स्तूप संख्या दो, सतधारा का स्तूपा नंबर टू। क्या है खासियत स्तूपा नंबर टू में? तो जिस तरह से सांची के स्तूप संख्या तीन में हमें सारिपुत्र और मौद्गलायन के अस्थि अवशेष मिले हैं, उनके रेलिक्स मिले हैं, ठीक उसी तरह से सतधारा स्तूप संख्या, सतधारा का स्तूप संख्या दो यानी स्तूपा नंबर टू में सारिपुत्र और मौद्गलायन का अस्थि अवशेष मिला है। तो स्तूपा नंबर टू ऑफ सतधारा कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ सारिपुत्र, सारिपुत्र एंड मौद्गलायन। अब मामला ये है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सांची का स्तूप संख्या तीन और सतधारा का स्तूप संख्या दो, दोनों ही स्थानों पर कैसे सारिपुत्र और मौद्गलायन के अस्थि अवशेष मिल सकते हैं या मिला है? तो इसका कहानी आपको पता है, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहली बार गौतम बुद्ध की डेथ जब होती है तो ठीक उसी समय यानी जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, एट स्तूपाज वर बिल्ट ऑन द रेलिक्स ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर आठ स्तूपों का निर्माण हुआ। और फिर मौर्यन रूलर अशोका ने क्या किया, मौर्य शासक अशोक ने 84,000 स्तूपाज बनाया था,
84,000 स्तूप का निर्माण किया था मौर्य शासक अशोक ने। क्लियर ना, कैसे किया था? तो जो इसके पहले वाले 8 स्तूप थे उनका उसने डग आउट करवाया, मतलब उसकी फिर से खुदाई करवाई, उन अस्थि अवशेषों को कई भागों में बांटा और उन्हीं अस्थि अवशेषों के ऊपर उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसलिए आपको सांची में और सतधारा दोनों ही जगहों पर, दोनों ही स्थानों पर सारिपुत्र और मौद्गलायन के अस्थि अवशेष मिलते हैं। यस, तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक हमने कवर किया, किसके बारे में आपको बताया, सारिपुत्र, सॉरी आपको बताया सांची के स्तूप के बारे में, थोड़ा और नाम आपको बता दिया, भोजपुर, अंधेर, सोनारी, सतधारा। क्लियर। वैसे एक और है, यदि आप सांची से यदि 100 किलोमीटर नीचे आएंगे तो सारू मारू पंगोरारिया गांव है, सारू मारू सीहोर जिले में। सारू मारू नामक स्थान पे अशोक का अभिलेख भी मिला है। क्लियर, अशोक का अभिलेख भी मिला है और यहां पर स्तूप भी मिले हैं। सर, हु इज द आर्किटेक्ट, इफ पॉसिबल नेम विथ कंस्ट्रक्शन पीरियड? ये तो भाई बता चुके हैं यार हम लोग कल। यस, तो चलो हम लोग और थोड़ा सा और भी कुछ और स्तूपों के बारे में नाम जान लेते हैं, कुछ उनकी गतिविधियों या कुछ उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं, उसके बाद और भी एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सांची स्तूप के बारे में, या फिर चलिए और आपको बता ही देता हूं अबाउट सांची स्तूपा। यस, देखिए और क्या आपको सांची स्तूप के बारे में और आपको क्या जानना है, और जो भी चीजें अब मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सब लोग को पता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि तोरण क्या होता है स्तूप में या गेटवे क्या होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है। जो कल यानी पिछले क्लास में नहीं थे वो आप लास्ट क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल कवर किया हुआ है। तो सांची स्तूप का एक तोरण है, क्लियर ना, तोरण है, वो भी पश्चिमी तोरण यानी प्रवेश द्वार है। वहां पर 7 बुद्ध को दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि गौतम बुद्ध को लेकर 7 बुद्ध हुए हैं। तो 7 बुद्ध को कहां दिखाया गया है? सांची के स्तूप के तोरण में दिखाया गया है। और कैसे दिखाया गया है? तो 4 बुद्ध को दिखाया गया है पेड़ के द्वारा, ट्री के द्वारा, और जो 3 बुद्ध हैं उसे कैसे दिखाया गया है? 1, 2 और 3 स्तूपा के द्वारा। तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्तूप में या कहां के तोरण में 7 बुद्धाज हैव बीन डिपिक्टेड, 7 बुद्ध को दिखाया गया है या चित्रित किया गया है या मूर्तियों के रूप में उकेरा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका सांची स्तूप का तोरण, ये भी आपको बताया। उसके बाद देखिए ये चित्र, इसमें ये भी सांची स्तूप के एक तोरण में ही मिलता है, और यहां पर जो इमेजेस है वो कार्व्ड आउट है, यानी जो मूर्तियां बनाई गई हैं या उकेरी गई हैं वो कहां उकेरी गई हैं? तोरण में उकेरी गई हैं। और इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि अशोक जो है, अशोक राम ग्रामा के स्तूप का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राम ग्रामा में एक स्तूप है, उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर एक कहानी है, क्या कहानी है? तो देखिए कहानी बताता हूं आपको। कहानी यह है कि अशोक ने
बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो 8 स्तूप बने थे उन 8 स्तूपों को खुदवाने का प्रयास किया, लेकिन एक जगह के लोगों ने बोला कि हम इस स्तूप को डग आउट करने नहीं देंगे, हम इस स्तूप को आपको खोदने के लिए नहीं देंगे। तो वस्तुतः अशोक ने क्या किया, 7 स्तूपों की खुदाई करवाई और जो वहां से अस्थि अवशेष मिलते हैं उन अस्थि अवशेषों पर उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। देखिए ऐतिहासिक रूप से ये प्रूव्ड नहीं है, मैं एक ऐसे स्टोरी बता रहा हूं आपको। तो उसने 84,000 स्तूप बनवाया, किसने, अशोक ने बनवाया। एक जगह एक ऐसा स्थान था जहां के लोगों ने स्तूप को खोदने की अनुमति नहीं दी थी और वो कौन सा स्थान था, रामग्राम। क्लियर ना। तो एक ये जो इमेज है या जो कार्व्ड आउट इमेज है सांची के स्तूपा में, इसमें दिखाया गया है कि अशोक कहां जा रहे हैं, रामग्राम का स्तूप, वहां उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां के लोगों से वह रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कि आप हमें इस स्तूप को खोदने की अनुमति दीजिए ताकि हम इनके अस्थि अवशेषों पर और भी ज्यादा स्तूप बनाएं। तो ये सब आपको सांची के स्तूप में दिखेंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि कहां पर हमें अशोक से संबंधित जो है मूर्तियां या चित्र उकेरे गए हैं या कार्व्ड इमेज कहां से मिलता है अशोका का। तो उत्तर क्या है, आंसर है आपका सांची स्तूप का तोरण, गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। और 7 बुद्ध से संबंधित कहां पर कार्व्ड इमेज मिलता है, वंस अगेन द वन ऑफ द तोरणा ऑफ सांची स्तूपा। चलो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए, अब मैं पहुंच गया भरहूत स्तूप, भरहूत भरहूत स्तूपा। कहां पर है भाई भरहूत स्तूपा, तो एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में है भरहूत स्तूपा। इसका फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन किसके टाइम में हुआ, तो अशोका के समय, तो अशोक के शासन काल में भरहूत स्तूप का निर्माण हुआ। और फिर सुंग राजाओं के समय या सुंग राजाओं के शासन काल में इस स्तूपा का रिपेयर हुआ, पुनर्निर्माण हुआ। तो किसने कंस्ट्रक्शन करवाया, कंस्ट्रक्टेड बाई अशोका, मौर्यन रूलर अशोका। उसके बाद इस स्तूप की खोज और उत्खनन, डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन, डिस्कवरी और एक्सकेवेशन कौन कर रहे हैं, तो इस स्तूप की खोज और उत्खनन किसके द्वारा किया गया, एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अराउंड 1873 में किया गया, एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 के आसपास। क्लियर। तो आइए जरा देखें, यस, ये है आपका भरहूत का स्तूप, भरहूत स्तूप। सांची स्तूप जैसा सुरक्षित नहीं है, इसके केवल भग्नावशेष ही मिले हैं, यानी यह पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था में नहीं मिला है। तो ये इसका प्रवेश द्वार यानी तोरण है, ये इसकी वेदिका है। अब यहां से जो याद रखना है आपको, यस डियर, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची और द महास्तूपा ऑफ सांची का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था 3rd century BC में, 3rd century ईसा पूर्व में। तो ये भरहूत स्तूप का आपको इमेज दिखाया। अब यहां याद रखना है कि भरहूत स्तूप की जो वेदिका है या जो रेलिंग है, वहां से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, तो जानकारी मिलती है मगध का हरियंक वंशी शासक
अजात शत्रु के बारे में, और दूसरी जानकारी मिलती है कोसला महाजनपद का शासक प्रसेनजीत के बारे में। अब देखिए यहां जो ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, अभी मैंने बोला मगध का रूलर अजात शत्रु ही बिलोंग्स टू हरियंका डायनेस्टी। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को हिस्ट्री का नॉलेज है, क्योंकि यहां पर मैं केवल आर्ट एंड कल्चर टॉपिक कवर कर रहा हूं, हिस्ट्री कवर नहीं कर रहा हूं, ये याद रखेंगे। यहां पर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के बारे में नॉलेज है, आपको अशोका के बारे में पता है, आपको महाजनपदा के बारे में पता है। तो ऐसा आप मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि सर आप पहले हमको हिस्ट्री पढ़ाइए और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आप लोग को पता है कि ये जो हम लोग टॉपिक, ये जो क्लास चल रही है, हम लोग केवल उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है MPPSC के द्वारा, तो उसमें जो चीजें नई जोड़ी गई हैं उसी के बारे में हम लोग यहां बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यस, क्या बताया, भरहूत स्तूपा से, भरहूत का जो स्तूपा है यहां से हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है, यहां से हमें जानकारी मिल रही है प्रसेनजीत, जिसको कभी कभी पाली में पसेनादी कहते हैं। प्रसेनजीत कौन है, प्रसेनजीत कौन है, तो ये कोसला महाजनपदा का रूलर था। द रूलर ऑफ कोसला महाजनपदा, इसका कार्व्ड इमेज मिलता है किसमें, भरहूत स्तूपा में, यानी इसकी उत्कीर्ण मूर्ति मिलती है प्रसेनजीत की। और ठीक ऐसा ही एक हरियंका डायनेस्टी का रूलर है, हरियंका डायनेस्टी, हरियंक राजवंश, हरियंक राजवंश का एक रूलर है और उस रूलर का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का भी कार्व्ड इमेज या उत्कीर्ण मूर्ति कहां से मिलती है, तो अजात शत्रु की उत्कीर्ण मूर्ति भरहूत स्तूप से मिलती है। तो ये दो, कोसला महाजनपद उत्तर प्रदेश में था, आज के अवध क्षेत्र में, अयोध्या लखनऊ वाले क्षेत्र में, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और हरियंक राजवंश किस क्षेत्र में था, मगध क्षेत्र में, जिसकी राजधानी क्या थी, आरंभिक राजधानी थी, अर्लीस्ट कैपिटल क्या था, राजगृह, और इसके बाद इसका कैपिटल हो गया पाटलिपुत्र। ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। ये देखिए, ये एक इमेज मिला है, ये मिला है आपको, इमेज मिला है कहां से, ये मिला है भरहूत स्तूपा से, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है यह प्रसेनजीत की मूर्ति मिली है। क्लियर, प्रसेनजीत की मूर्ति भरहूत स्तूपा। यस डियर, तो आपको सांची स्तूपा के बारे में बताया, भरहूत स्तूपा के बारे में बताया। अब हम लोग पहुंच गए किधर, हम लोग पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और कृष्णा रिवर वैली में है, कृष्णा नदी घाटी में है, और यहां हमको दो इंपॉर्टेंट स्तूपास के बारे में जानना है। दो इंपॉर्टेंट स्तूपा कौन है, तो दो इंपॉर्टेंट स्तूपा में है, एक है आपका अमरावती का स्तूपा। अमरावती कहां पर है, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे है। क्लियर, कुछ लोग मानते हैं कि अमरावती का भी जो आरंभिक स्तूप है वो अशोक के शासन काल में बना है, लेकिन विस्तृत स्तर पर, बड़े स्तर पर जो यहां स्तूप निर्माण हुआ वो सातवाहन राजाओं के शासन काल में हुआ था। क्लियर ना, सातवाहन रूलर्स के टाइम में हुआ था,
और यहां का एक स्तूपा है, अमरावती का स्तूपा, जो कि क्रीम कलर के स्टोन से बना हुआ है। लगता है किसके जैसा? लगता है आपका संगमरमर या व्हाइट मार्बल के जैसा, बट ये है कैसा, किसका बना हुआ है, किस पत्थर का बना हुआ है? क्रीम कलर के स्टोन का बना हुआ है। लेकिन ये भी अपने ये भी सुरक्षित अवस्था में नहीं मिला है ये स्तूप, ये भग्न अवस्था में मिला है, डैमेज्ड कंडीशन में मिला है। इसका केवल आप ये देख सकते हैं, इसका केवल बेस ही मिला हुआ, ये देखिए ये बेस है, ये इसका जो सर्कुलर बेस है, यानी जो मेधी सर्कुलर जो वृत्ताकार है, केवल उसी का अवशेष मिला है। तो खैर हम लोग को उतना डिटेल तो नहीं जानना है, हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को समझना है कि अमरावती का स्तूप है कहां। तो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। किस रिवर के किनारे है? तो आंसर है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है अमरावती का स्तूप। और अमरावती का जो स्तूप है, इसका निर्माण काल किसके समय में हुआ था मुख्य रूप से? तो आंसर है सातवाहना रूलर के समय हुआ था, सातवाहन शासकों के शासन काल में अमरावती के स्तूप का निर्माण हुआ था। वैसे जिस राजा के समय यहां स्तूप स्थापत्य कला को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला था, उस राजा का नाम था वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी, याद रखेंगे, इसके शासनकाल में अमरावती के स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अलावा और क्या जानना है? इसके अलावा एक पॉइंट और जानना है कि उस समय प्राचीन काल में अमरावती को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अमरावती को धान्य कटक के नाम से जाना जाता था, धान्य कटक, धान्य कटक के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया आपका अमरावती का स्तूप। एक और पॉइंट जानना है और वो है नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा का स्तूप, द स्तूपा ऑफ नागार्जुन कोंडा, स्तूपा ऑफ नागार्जुन कोंडा। कहां पर है नागार्जुन कोंडा का स्तूप? तो ये भी है आंध्र प्रदेश में। किस रिवर वैली में है? कृष्णा रिवर वैली, कृष्णा रिवर वैली में, कृष्णा नदी घाटी में नागार्जुन कोंडा का स्तूप है। किनके समय नागार्जुन कोंडा के स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ? तो द स्तूपा ऑफ नागार्जुन कोंडा वॉज बिल्ट इन द रेन ऑफ इक्ष्वाकु रूलर, इक्ष्वाकु राजाओं के समय नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अलावा और हमें क्या जानना है? नागार्जुन कोंडा का एंशियंट नेम क्या है, नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो एंशियंट नेम है नागार्जुन कोंडा का, वह क्या है भाई एंशियंट नेम? तो एंशियंट नेम है विजयपुरी, विजयपुरी, या फिर एक और नाम मिलता है श्री पर्वत, श्री पर्वत। क्लियर? तो आप लोग लिख पा रहे होंगे, बताइए मुझे।
कोई प्रॉब्लम है बताइए। यस ठीक है। यस तो चलो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया स्तूप स्थापत्य कला। अब स्तूप स्थापत्य कला के बाद हम लोग समझने जा रहे हैं चैत्य और विहार, थोड़ा थोड़ा करके प्रिलिम्स के हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिक प्रिलिम्स का ही है। तो चैत्य पहला क्वेश्चन आपको चैत्य में आएगा, क्या क्या रहने के चांसेस हैं। तो देखिए चैत्य में जो पहला क्वेश्चन रह सकता है वो है कि चैत्य होता क्या है। तो चैत्य होता है प्रेयर हॉल, है ना, यानी प्रार्थना कक्ष। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि चैत्य होता कैसा है। तो देखिए सामान्यतः जो चैत्य था, ये चैत्य एक आयताकार हॉल होता है, रेक्टेंगुलर हॉल होता है, और इसके रियर एंड में मतलब इसका जो अंतिम हिस्सा है वहां पर एक स्तूप रखा रहता है। क्लियर ना, वहां एक स्तूप रखा हुआ रहेगा। क्लियर, ये इसका प्रवेश द्वार है। यहां पर एक खिड़की बनी रहेगी जिसे हम लोग चैत्य विंडो कहेंगे, लेकिन ये सब आप लोग को नहीं जानना है। केवल इतना जान लिया कि हाँ भाई चैत्य क्या है, तो चैत्य एक प्रार्थना गृह होता है। फिर चैत्य होता कैसा है, तो एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है, और इसमें क्या रखा रहता है, तो इसमें स्तूपा इज प्लेस्ड, बस इतना ही जानना है आपको। इसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण रॉक कट चैत्यास का नाम जानना है। क्लियर ना, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैत्या, लेकिन इंपॉर्टेंट चैत्या को बना आपको नोट डाउन कराने के पहले आपको मैं यहां पर आपको यहां कुछ इंपॉर्टेंट चैत्य दिखा दूं। ये देखिए क्या बताया था आपको कि चैत्य कैसा होता है, तो चैत्य एक आयताकार रेक्टेंगुलर एक हॉल होता है, और उसके रियर एंड में यानी उसके अंतिम हिस्से में क्या रखा रहता है, तो उसके अंतिम हिस्से में आपको स्तूप स्थापित किया हुआ रहता है, स्तूपा को रखा जाता है यहां। अब बाकी इसकी इसकी जो छत होती है वो वॉल्टेड होती है, मतलब ढोलाकार छत होती है, और इसकी आंतरिक दीवार के पास जो इसका इनर वॉल है उसके पास पिलर होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, बट वो सब नॉर्मली हम लोग को नहीं समझना है। चलिए तो ये आपको बताया चैत्य, और देखते हैं कुछ एक दो चैत्य के बारे में। यस ये देखिए यहां भी और क्लियर हो रहा होगा, ये चैत्य है, और ये चैत्य का जो प्रवेश द्वार है, और ये चैत्य खिड़की है, चैत्य विंडो है, ये प्रवेश द्वार है। तो एक चैत्य का आपको इमेज आपको पता चल गया कि कैसा होता था चैत्य। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैत्यास का नाम जानते हैं, वो भी क्या इंपॉर्टेंट, रॉक कट चैत्यास। रॉक कट चैत्यास, तो भाजा, कारले, कन्हेरी, पीतल खोरा, नासिक, और अजंता केव नंबर 9 और 10। भाजा है ना, भाजा, कारले, कन्हेरी,
कन्हेरी, पीतल खोरा, नासिक, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10, 9 और 10, केव नंबर 9 और 10। यहां पर हमें किसके एविडेंस मिले हैं? यहां पर हमें चैत्य का भी एविडेंस मिला है और विहार का भी मिला है। अभी क्या होता है विहार, कुछ देर में समझेंगे। तो यहां से हमें चैत्य के उदाहरण मिले हैं, लेकिन वो भी कैसा चैत्य? रॉक कट चैत्य, यानी हिंदी में कहते हैं रॉक कट चैत्य को गुहा चैत्य। गुहा चैत्य, इसका तात्पर्य क्या हुआ? गुहा चैत्य मतलब पहाड़ है, पहाड़ की चट्टानों को काट करके आयताकार हॉल बनाया गया और उसके अंदर एक स्तूप का निर्माण किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉक कट चैत्य, गुहा चैत्य। तो भाजा, कारले, कन्हेरी, नासिक, पीतल खोरा और अजंता की गुफा संख्या 9 और 10, ये सारे के सारे जो चैत्य हैं या रॉक कट चैत्य हैं, इनका निर्माण किन राजाओं के समय हुआ? तो आंसर है सातवाहना रूलर के समय, सातवाहन राजाओं के समय। आप लोग को पता है कि सातवाहन शासक किधर शासन करते थे? तो जो सातवाहन शासक है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। तो सातवाहन राजाओं के समय इन बौद्ध चैत्य गृहों का निर्माण हुआ था। तो दीज रॉक कट चैत्यास वर बिल्ट इन द रेन ऑफ सातवाहना रूलर्स, ऑल्दो सातवाहना रूलर्स दे पैट्रनाइज्ड ब्राह्मण रिलीजन और वैदिक रिलीजन। सो दिस इंडिकेट्स दैट सातवाहना रूलर्स वर टॉलरेंट इन नेचर, कि यद्यपि सातवाहन शासक वैदिक धर्म का पालन करते थे, लेकिन इनके शासनकाल में, इन राजाओं के शासनकाल में पश्चिमी महाराष्ट्र में या पश्चिमी दक्कन में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य गृहों का निर्माण हुआ। तो ये सारे के सारे जो चैत्य गृह है या रॉक कट चैत्यास है, कहां मिल रहा है आपको? कहां है इनका लोकेशन? पश्चिमी महाराष्ट्र। और कब बना होगा भाई ये? तो यदि आपने सातवाहन वंश पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सातवाहन वंश का शासन काल क्या है? मौर्योत्तर या पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में, अब पोस्ट मौर्यन का मतलब क्या होता है? अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पोस्ट मौर्यन एज या पोस्ट मौर्यन पीरियड का मतलब क्या है, इसका मुझे क्रोनोलॉजी बताइए। जैसे आपको पता है मौर्य राजवंश का शासन काल क्या था? 321 BC to 185 BC। वैसे मुझे पोस्ट मौर्यन पीरियड का क्रोनोलॉजी बता सकते हैं आप लोग? जरा देखें कितने लोगों को पता है हिस्ट्री कि, या फिर बिना हिस्ट्री जाने आप आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं। यस, किसी का क्वेश्चन आया अथर्व कि सर ये अभी आपने सब स्तूप पढ़ा रहे हैं ना, जितने हैं बौद्ध धर्म में। यस, स्तूप तो बौद्ध धर्म का है अथर्व, और हम लोग कल ये सब बात कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बौद्ध स्थापत्य कला, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे लास्ट क्लास में नहीं रहे होंगे तो लास्ट क्लास वाली वीडियो पहले जरूर देखिएगा, तभी आप आज के क्लास को समझ पाएंगे। यस, तो बताइए देखें किसने अभी तक। हाँ, किसने दिया? हाँ,
अंकुश ने दिया थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी। और सौभाग्य तिवारी, यस आपका करेक्ट है, मौर्योत्तर काल मतलब सेकेंड सेंचुरी बीसी, पोस्ट मौर्यन का मतलब होता है, पोस्ट मौर्यन पीरियड का मतलब होता है सेकेंड सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी एडी, यानी दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईस्वी तक का जो काल क्रम है, कालखंड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल। चलो, तो चल आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है। तो मैंने आपको चैत्य के बारे में बता दिया, अब चैत्य के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं विहार, विहारा, विहारा। क्या होता है विहार? तो विहार होता है ड्वेलिंग प्लेस या रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नंस। रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मंक्स एंड नंस, यानी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का निवास स्थान। ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धिस्ट विहारा का तात्पर्य क्या होता है। तो ये वैसा स्थान है जहां पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी निवास करते हैं, क्लियर ना? तो रेसिडेंशियल प्लेस या ड्वेलिंग प्लेस होता है किसका? बुद्धिस्ट मंक्स और नंस का। बट यहां एक बात और आपको बता दूं कि विहार केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं है, विहार जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। लेकिन यहां हम लोग कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? हम लोग यहां कवर कर रहे हैं बौद्ध स्थापत्य कला, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसलिए मैं यहां विहार किस संदर्भ में प्रयोग कर रहा हूं, तो हेयर आई एम यूजिंग द टर्म विहारा विथ रिगार्ड टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बौद्ध स्थापत्य कला के संदर्भ में ही हम यहां पर विहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कैसा होता होगा भाई विहार? तो देखिए, ये एक हॉल होगा, उसके बाद इस हॉल के चारों तरफ ये पोर्च है या बारामदा बोल सकते हैं, हिंदी में बारामदा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्च। और यहां क्या है, छोटे छोटे कमरे बने हुए, ये सब क्या है, छोटा छोटा कमरा है, ये सब क्या है, छोटे छोटे कमरे हैं ये। और इन कमरों में कौन निवास करेंगे? तो ये जो छोटे स्मॉल सेल हैं या स्मॉल रूम्स हैं, इन्हीं रूम्स में या सेल में कौन रहेंगे? बुद्धिस्ट मंक्स रहेंगे, बुद्धिस्ट नंस रहेंगे। तो मंक्स और नंस दोनों के लिए अलग अलग विहार होते थे, क्लियर ना? दोनों के लिए अलग अलग विहार होंगे। तो ये भी आप लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट विहाराज का नाम जान लेना है, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट विहाराज, महत्वपूर्ण विहार, तो जेतवन विहारा कहां है यार? जेतवन विहारा, तो जेतवन विहारा था बुद्ध के शासन, बुद्ध के बुद्ध काल में, यानी छठी सदी ईसा पूर्व में, श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती किधर है? उत्तर प्रदेश, कोसल महाजनपद का कैपिटल था, कोसल महाजनपद की राजधानी थी जेतवन विहार। एक वहां के बड़े रिच ट्रेडर थे, उस ट्रेडर का नाम था अनाथ पिंडक, है ना? अनाथ पिंडक ने ही ये विहारा बनाया था, और किसको दिया था? गौतम बुद्धा को। तो हु बिल्ट दिस विहारा? तो इट वॉज बिल्ट बाई अनाथ पिंडक। कौन है अनाथ पिंडक? तो अनाथ पिंडक वॉज अ
बुद्धिस्ट ट्रेडर, डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। तो अनाथ पिंडक ने ही ये विहार बनाया था, कहां? श्रावस्ती में। उसके बाद है वेलुवन, वेलुवन विहार। ये कहां था भाई? तो वेलुवन विहार था राजगृह में, राजगृह, जो कि किसका कैपिटल था आप लोग को पता होना चाहिए और पता होगा भी, कैपिटल था किसका? तो ये राजधानी थी मगध महाजनपद की, है ना, सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में। तो वेलुवन विहार इसको किसने बनाया था? तो हरियंक राजवंश का संस्थापक, द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, और उसका नाम था बिंबिसारा। बिंबिसारा ने ये विहारा बनवाया, बिंबिसारा, और किसको दिया? गौतम बुद्धा को डोनेट किया था ये विहारा। तो दो आपको पता चल गया, वेलुवन, फिर तीसरा है घोषिता राम, घोषिता राम विहारा। ये कहां है भाई घोषिता राम विहार? तो घोषिता राम विहार है कौसाम्बी में। कौसाम्बी किसकी है भाई राजधानी? तो कौसाम्बी जो कैपिटल है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, और यहां पर घोषित नाम का एक ट्रेडर था, इसने इस विहार का निर्माण करवाया। तो हु बिल्ट दिस विहारा? घोषित ट्रेडर, घोषित एक नाम का, घोषित नाम का एक व्यापारी था, उसी ने कौसाम्बी में इस विहार का निर्माण करवाया। फिर अशोका राम विहारा, अशोका राम, ये कहां पर है अशोका राम? पाटलिपुत्रा में था, वैसे पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र मगध एम्पायर का, मगध महाजनपदा का कैपिटल, पाटलिपुत्र, जो कि किस नदी के किनारे था? ये गंगा रिवर है और ये सोन, तो गंगा और सोन के संगम पर क्या बसा हुआ है? पाटलिपुत्र। तो यहां अशोका राम विहार किसने बनवाया? अशोका राम विहार, तो आंसर है मौर्यन एम्परर, मौर्यन रूलर अशोका ने, मौर्य शासक अशोक ने इस विहार का निर्माण करवाया, अशोका राम विहार। चलिए यहां तक जान गए आप लोग, उसके बाद और भी दो चार विहार का नाम जानना है। फिर हम लोग पहुंच गए मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, ठीक है ना, मौर्योत्तर, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर, यानी पोस्ट मौर्यन गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। यहां पर एक विहार बना और बड़ा इंपॉर्टेंट विहारा है, और उसका नाम है अजंता, अजंता केव्स, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर में, अजंता की पहाड़ियों में, क्लियर ना, अजंता की पहाड़ियों में लगभग लगभग कितना 29 केव्स, 29 गुफाओं का निर्माण किया गया, और इसमें से जो अधिकांश गुफाएं हैं वो क्या है? बुद्धिस्ट विहारा है। तो है कहां पर भाई अजंता केव्स या अजंता के बौद्ध विहार हैं कहां? तो आंसर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट या छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। यहां पर इन द मौर्यन पीरियड, सॉरी, इन द पोस्ट मौर्यन गुप्ता एंड इन पोस्ट गुप्ता पीरियड बुद्धिस्ट विहाराज और बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर्स वर बिल्ट, यानी मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में यहां पर बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्य गृहों का निर्माण हुआ, या फिर सिंपली बौद्ध धर्म से संबंधित गुहा स्थापत्य का निर्माण हुआ, रॉक कट, क्या, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो यानी जो अजंता के जो केव्स हैं उसमें रॉक कट बुद्धिस्ट विहारा है और रॉक कट बुद्धिस्ट चैत्य है, समझ गए? तो कुछ विहार है और कुछ चैत्य है। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो गुफाओं की कुल संख्या है 29 केव्स है। और अवस्थिति कहां है, लोकेशन कहां है, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद और क्या जानना है अजंता के बारे में? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसकी खोज किसने की? 1893 में जॉन स्मिथ ने, सॉरी 1819 में।
1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई। ये जो गुफा है, अजंता की जो गुफाएं हैं, ये वघोरा नदी के किनारे हैं, वघोरा रिवर के किनारे हैं। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है। क्लियर, पता चल गया आपको। वैसे अजंता क्यों फेमस है, तो अजंता इज मेनली फेमस फॉर इट्स म्यूरल पेंटिंग, अपने भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हम लोग पेंटिंग नहीं समझ रहे हैं, पेंटिंग जब समझेंगे तो वापस फिर हम लोग को जानना पड़ेगा किसके बारे में, अजंता के बारे में, ये अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता की प्रसिद्धि का, पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, द बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग, यानी अजंता की गुफाओं में, गुफाओं की जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं, जो सीलिंग्स हैं, जो पिलर्स हैं, उस पर आपको पेंटिंग्स मिलते हैं, इमेज मिलते हैं। वो इमेज कैसा होता था, क्या है म्यूरल पेंटिंग, अभी हम लोग को नहीं समझना है। जब मैं टॉपिक कवर करूंगा पेंटिंग्स, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली इसका नॉलेज मिल जाएगा। अभी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं विहारा के बारे में, ठीक है ना। यस, सौभाग्य पहली बार मूर्ति तो बनी, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं स्थापत्य कला, है ना। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट स्कल्पचर। जब स्कल्पचर डिस्कस करेंगे, मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। तो फोकस कहां पर करना है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है केवल उसी पर फोकस करना है। टॉपिक हमारा है आर्किटेक्चर। तो यस, अजंता में क्या बने, बुद्धिस्ट रॉक कट विहाराज है। रॉक कट मतलब मैन मेड है, नेचुरल केव्स नहीं है, याद रखेंगे, क्लियर ना। यस, तो अब इसके अलावा और कहां कहां पर थोड़े एक दो और बुद्धिस्ट विहाराज का नाम जान लेते हैं। बाघ केव्स, ये कहां पर है, बाघ केव्स ये धार डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहां पर है। और बाघ केव्स का कंस्ट्रक्शन, यानी बाघ रॉक कट केव्स का कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, तो मेनली गुप्ता पीरियड में हुआ है, गुप्ता पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, है ना। चलिए ये जान गए। इसका डिस्कवरी 1818 के आसपास डेंजर फील्ड के द्वारा किया गया, है ना। एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उसका नाम है डेंजर फील्ड, उसी ने बाघ की गुफाओं को खोजा था। तो हु डिस्कवर्ड द रॉक कट केव्स ऑफ बाघ, आंसर इज डेंजर फील्ड, ब्रिटिश ऑफिसर। ही वॉज ऑन टाइगर हंट, वह टाइगर हंटिंग में था, बाघ का शिकार करने जा रहा था, और उसी समय उसको ये, उसने इन गुफाओं को खोजा था। ठीक ऐसा ही आप कह सकते हैं जॉन स्मिथ के बारे में, जिसने अजंता के केव्स को डिस्कवर किया। ही वॉज ऑल्सो ऑन टाइगर हंट, वह भी बाघ का शिकार करने जा रहा था, और उसी शिकार करने के क्रम में उसने अजंता की गुफाओं को खोजा था। तो 1818 में बाघ की गुफाओं की खोज हुई। यहां पर कितनी गुफाएं मिली हैं, तो यहां पर है 9 रॉक कट केव्स, और इन 9 रॉक कट केव्स में कुछ क्या है, विहारा है और कुछ चैत्या है, बट मोस्ट ऑफ द रॉक कट केव्स एट बाघ आर विहाराज, यानी बाघ की जो अधिकांश गुफाएं हैं वह क्या है, तो विहार है, वह बौद्ध विहार है। क्लियर, कब निर्माण हुआ, तो निर्माण हुआ गुप्त राजाओं के शासनकाल में, निर्माण हुआ बाघ की गुफाओं का। चलो ये भी जान गए बाघ केव्स। उसके बाद और भी कुछ विहाराज का नाम जानते हैं। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ। कहां है भाई नालंदा, तो ये साउथ बिहार में है, साउथ बिहार में है, दक्षिण बिहार। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो इट वॉज बिल्ट बाय द गुप्ता रूलर कुमार गुप्त फर्स्ट
निर्माण करवाया, किसने? नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया कुमारगुप्त फर्स्ट। ये कौन है? गुप्ता रूलर, गुप्त शासक। एंड द रूइन ऑफ नालंदा महाविहार आर डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यानी नालंदा महाविहार के जो अवशेष हैं वह क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसने नालंदा महाविहार को डिमोलिश किया, किसने नालंदा महाविहार को ध्वस्त किया था? तो आंसर है बख्तियार खिलजी। कौन है भाई बख्तियार खिलजी? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का कमांडर जनरल है, मोहम्मद गोरी का सेना नायक है, क्लियर ना। और इसने 12वीं सदी में क्या किया है? नालंदा महाविहार को डिमोलिश कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो नालंदा महाविहार क्यों फेमस था? नालंदा महाविहार का राइज कैसे हुआ? तो नालंदा महाविहार का राइज हुआ था एज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो नालंदा महाविहार का उदय हुआ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, और भारत में यह अवस्थित महाविहार अंततः एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। तो नालंदा महाविहार के बाद बात कर रहे हैं विक्रमशिला महाविहार। ये भी कहां है? ये भी बिहार में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, क्लियर। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण आरंभिक मध्यकाल में, अर्ली मिडिवल एज में बता रहा हूं, निर्माण कराया गया पाला रूलर, बंगाल का पाल शासक था, उसका नाम था धर्मपाला। कौन है ये धर्मपाला? तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट पाला रूलर ऑफ बंगाल। आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि बंगाल में और बिहार में आरंभिक मध्यकाल में पाल राजवंश का उदय हुआ था, एंड दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गोपाला। इस राजवंश का संस्थापक गोपाल था, और लगभग 750 ईस्वी के आसपास, अराउंड 750 एडी के आसपास दिस डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस राजवंश की स्थापना हो गई, किसने किया? गोपाला ने। और इसी राजवंश का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, उसका नाम था धर्मपाला। और धर्मपाला ने ही किस विहार का निर्माण करवाया? विक्रमशिला। और ये भी एजुकेशन का, लर्निंग का एक प्रोमिनेंट सेंटर बना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना, तो यह भी शिक्षा का एक महान केंद्र बना। और नालंदा का स्थान बाद में इसी ने ग्रहण किया, इनफैक्ट विक्रमशिला रिप्लेस्ड होम नालंदा एज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो यह भी शिक्षा का एक महान केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, यहां के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे जो कि यहां के प्रिंसिपल भी थे, उनका नाम था अतीश दीपंकर। जब हम लोग एजुकेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे तो ये सब फिर से नाम आप लोग पढ़ेंगे, ये सारा नाम आएगा, नालंदा, विक्रमशिला। चलिए दो चार और विहार का नाम हम लोग जान लेते हैं। पाल राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था, तो दो चार और विहार का नाम जानते हैं। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश में है। धर्मपाल के समय ही ये इस विहार का निर्माण कराया गया था, और है कहां पर? बांग्लादेश में है। यह यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। फिर है उदंतपुरी। ये किधर है? उदंतपुरी बिहार में ही है, और इसका निर्माण गोपाल के समय हुआ था, गोपाल जो कि पाल राजवंश का संस्थापक था, तो खैर आपसे उतना नहीं पूछेगा। फिर है जगदल का बुद्धिस्ट महाविहार कहां पर है? तो जगदल का जो बौद्ध महाविहार है यह है नॉर्थ बंगाल में, और पाल राजाओं के समय ही बना है,
नॉर्थ बंगाल में, पाल राजाओं के समय ही जगदल बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। क्लियर? उसके बाद और भी कई सारे विहार हैं, जैसे वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी यहां भी बड़ी संख्या में विहार मिले हैं। वल्लभी, वल्लभी कहां है? गुजरात। और वल्लभी के बौद्ध विहार का निर्माण किनके समय हुआ? तो गुजरात के मैत्रक राजाओं के समय हुआ, मैत्रका डायनेस्टी। तो किसके समय हुआ? वल्लभी के बौद्ध विहारों का निर्माण। तो आंसर है मैत्रका रूलर्स ऑफ गुजरात। तो द बुद्धिस्ट विहारास ऑफ वल्लभी एंड बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मैत्रका रूलर्स ऑफ गुजरात। यस डियर, यहां तक हम लोगों को मालूम चल गया। क्लियर? चलिए और भी दो चार विहारा का नाम आपको नोट डाउन करा देता हूं। रूमटेक विहारा, रूमटेक विहारा कहां पर है? तवांग विहारा कहां है? हेमिस विहारा कहां है? तो रूमटेक बौद्ध विहार है आपके सिक्किम में। तवांग वैसे भी अभी न्यूज में रहता है, तवांग बौद्ध विहार है अरुणाचल प्रदेश में, और हेमिस बौद्ध विहार है लद्दाख में। क्लियर डियर? चलिए तो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो हम लोगों ने अपना टॉपिक फिनिश कर लिया, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। अब देखें, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर पे।
और वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, स्तूप शब्द का पहली बार कहां प्रयोग हुआ है, तो कल हम लोगों ने बात किया था ऋग्वेद, फिर स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धास लाइफ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला सर्मन प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनारा में गौतम बुद्धा की डेथ हुई। तो सांची का कनेक्शन नहीं है किसके साथ, गौतम बुद्धा के जीवन के साथ, तो यहां पर आंसर क्या है सांची। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमंग द फॉलोइंग आर मेडिटेशन सेल एंड लिविंग क्वार्टर फॉर द मंक्स, यानी बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने का निवास स्थान क्या है, तो ये तो सिंपल है अभी हम लोगों ने कवर किया, विहार, विहारा। उसके बाद फोर्थ सेरेमोनियल गेटवे इन स्तूपा इज ऑल्सो नोन एज, जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं तोरण या तोरणा। उसके बाद आइए कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज हेमिस्फेयर इन स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर टेरेस, एक ऊंचा चबूतरा जो कैसा होता है, जो कैसा होता है गोलाकार होता है या अर्ध गोलाकार होता है ना। फिर स्तूपास ड्यूरिंग मौर्यन इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, मौर्य शासन काल में या अशोक के समय मुख्य निर्माण सामग्री मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था भाई, तो आंसर है ब्रिक्स और मड, यानी ईंट और मिट्टी के द्वारा अशोक के समय मुख्य रूप से स्तूप बनाए जाते थे। क्लियर, अब जानना है कि कौन सा जो कथन है वो स्तूपा के बारे में करेक्ट है ना, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी बोथ वन एंड टू, स्तूप कैसा होता है हेमिस्फेरिकल होता है और मौर्यन में मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था ब्रिक्स था, तो करेक्ट है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन आर्किटेक्चर, अमरावती नागार्जुन कुंडा और पेशावर, कल हम लोगों ने बात किया था सांची स्तूप बनाया किसने, सांची स्तूप बनाया अशोका ने, अमरावती का स्तूप बना सातवाहनों के काल में जो कि मौर्य के बाद के हैं, नागार्जुन कुंडा का स्तूप बनाया किसके समय में, इक्ष्वाकु राजाओं के समय में, यानी जो सातवाहना के बाद में आए हैं, और पेशावर स्तूपा, पेशावर में शाह जी की ढेरी स्तूपा कल हम लोग बात किए थे, किसने बनाया कनिष्का ने, यानी ये सब कनिष्का किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो आंसर है कुशाना डायनेस्टी से, और ये सब कब के हैं तो मौर्यंस के बाद के हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन आर्किटेक्चर, आंसर इज सांची स्तूपा। अच्छा यहां वो भी दे दिया है ना, वॉज कमीशन बाय द मौर्यन किंग अशोका, तो सिंपल सा आंसर है सांची। विच ऑफ द स्तूपा वॉज फाउंडेड अंडर सुपरविजन ऑफ ग्रेट महादेव भिक्षु एमिसरी ऑफ एम्परर अशोका, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डियर बी, विच ऑफ द स्तूपा वॉज फाउंडेड अंडर सुपरविजन ऑफ द ग्रेट महादेव भिक्षु
एमिसरी ऑफ द एम्परर अशोका। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, यानी अमरावती स्तूपा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि अमरावती में सबसे पहली बार जो स्तूपा बना है वो अशोका के टाइम में बना है, और वो बनाने वाला कौन था, तो आंसर है किसके सुपरविजन में बना है, तो ग्रेट महादेव द भिक्षु एमिसरी ऑफ द एम्परर अशोका। तो आंसर क्या है, अमरावती। लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्धा को। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सब जो है ये आपके बाद वाले टॉपिक से रिलेटेड है, स्तूपा से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने आज का क्लास फिनिश कर लिया, और टॉपिक क्या कवर किया, तो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि स्तूपा आर्किटेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहीं पर क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कुछ देर के बाद स्टार्ट होगी।